हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। प्रभास के जितने फैन हैं उन लोगों के लिए कह सकते हैं कि हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है। यस, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है। और प्रभास के खुद के कैरियर के लिए भी एक ड्रॉबैक है, क्योंकि मुझे लगता है इस प्रकार से अगर एक के बाद एक फिल्म पोस्टपोन हो जाएगा तो उसकी कैरियर के लिए काफी खतरा है। यस, आप लोग सही सुन रहे हैं, सालार पोस्टपोन हो गया, यानी 20 सितंबर को ये फिल्म रिलीज नहीं हो रहा है। सालार 20 सितंबर को रिलीज नहीं हो रहा है। ऑलरेडी इसकी एडवांस बुकिंग ओवरसीज में 300K USD छू चुका था पहले दिन, और फिर हो गए जो एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुआ था, लेकिन तब फिर भी इसकी मतलब इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब कब रिलीज करेगा, किस वजह से इसका पोस्टपोन हुआ, कुछ भी इस पर हमारे पता नहीं चला, लेकिन ये ऑफिशियल न्यूज है कि सालार पोस्टपोन हो चुका है। मुझे लगता है इस प्रकार से अगर फिल्म पोस्टपोन होता है, इसके पहले आदिपुरुष जब टीजर रिलीज हुआ तो उसके बाद लोगों ने जैसे दूध करा तो उन लोगों ने पोस्टपोन कर दिया, 6 महीने पीछे कर दिया, और आप लोगों ने देखा यार आदिपुरुष का क्या रिजल्ट है। ये फिल्म भी बिल्कुल टीजर रिलीज हुआ था, अब एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गया, अब ये फिल्म को पोस्टपोन किया जा रहा है। मुझे लगता है इसके VFX से कुछ काम या और भी कुछ काम बाकी रह गया, तो पहले से उन लोगों को जज कर लेना चाहिए था ना कि ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो पृथ्वीराज सुकुमार का पैर टूट गया था तो उस वजह से शायद हो सकता है डिले हो गया, तो पहले से अनाउंस कर देना चाहिए था, टीजर नहीं रिलीज करना चाहिए था, कि पता होना चाहिए था कि ये रिलीज नहीं कर पाएंगे 20 सितंबर को, तो पहले से अगर पीछे कर देता है तो एक फैन के मन में एक मतलब एक आइडिया रहता है। अब क्या है कि लोगों सभी ने सिलेक्ट कर लिया कि 20 सितंबर को आ रहा है, अब नहीं आ रहा है तो सोचेगा कुछ ना कुछ तो इसका प्रॉब्लम होगा। इस वजह से देखा ना कि आदिपुरुष का रिजल्ट क्या, मुझे लगता है कि प्रभास के कैरियर में एक बहुत ही ऑक्सीजन वाला फिल्म था ये फिल्म, क्योंकि उसने सिर्फ लास्ट जो फिल्म था उसका हिट हुआ था वो था बाहुबली 2, उसके बाद शाओ, उसके बाद आपका राधे श्याम, उसके बाद आदिपुरुष, तीनों फिल्में फ्लॉप हुआ है, और तीनों की बिग बिग बजट का फिल्म में फ्लॉप है, मैंने बिग बिग बजट का फिल्म है और वो फ्लॉप हो गया। और ये फिल्म में उसमें काफ़ी उम्मीद थे, प्रशांत जी का डायरेक्शन में था जिन्होंने KGF और KGF 2 बनाया, तो ये फिल्म से उनकी कैरियर कह सकते हैं डूबते हुए कैरियर फिर से ऊपर आ सकता था, लेकिन जिस तरह से ये फिल्म पोस्टपोन हुआ मुझे लगता है कि ये कैरियर उनका कह सकते हैं गया, बिल्कुल गया उनके कैरियर। और इसी दिन मतलब 20 सितंबर को अब हिंदी में फुकरे 3 रिलीज होगा, और तेलुगु में आपका रवि तेजा का टाइगर नागेश्वर राव ये फिल्म रिलीज होगा। ये फिल्म पैन इंडिया रिलीज है, ये दशहरा के दिन रिलीज होने वाला था, तो ये आगे करके अब 20 सितंबर को रिलीज होगा। एक्चुअली क्या है, उन्होंने ठीक ही किया, क्योंकि ये वक्त काफ़ी खाली जा रहा था, तो इस वजह इस बीच अगर ये फिल्म रिलीज कर देते तो अच्छा रहता, अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि फुकरे 3 भी नवंबर में आने वाला, तो उन लोगों ने भी ये वक्त का फायदा का मतलब ये जो साला पोस्टपोन है इसका फायदा लिया और 20 सितंबर को ला कर दिया। होपफुली ये दोनों फिल्में अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी गैप है जवान के बाद से, तो ये फिल्म आना सही है इन लोगों के लिए। लेकिन जब हम बात कर रहा था कि ये जो सालार पोस्टपोन हुआ, मुझे लगता है कि प्रभास के कैरियर के लिए ये एक लाभ कह सकते लाल धब्बा लग गया कि उनकी फिल्म यानी आखिर मोमेंट पे पोस्टपोन हो गई। ये उनकी कह सकते हैं कि उसकी कैरियर का एक ट्रेंड बन चुका है। आप ये पे आदिपुरुष के साथ भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी शायद कोई VFX का प्रॉब्लम होगा, हर फिल्म में जो VFX का प्रॉब्लम की वजह से पोस्टपोन हो रहा है। जवान भी पहले 2 जून को आने वाला था, तो अब 7 सितंबर को आने वाला है, वो भी VFX की वजह से पोस्टपोन हो रहा था। तो होपफुली मुझे लगता है कि ये जो है ये अगर ठीक ठाक नहीं होता है तो ये उनकी जो फिल्म है सलार ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार ये पोस्टपोन फैन और लोग पसंद नहीं करते, तो देखते क्या होता है। तो आप लोग मेरे साथ अगर सहमत है कि ये उनके कैरियर के ड्रॉबैक है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि सलार के पोस्टपोन प्रभास के कैरियर के लिए कितना खतरा हो सकता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।